अंबाला छावनी में 115 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसका आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। अनिल विज ने इस निरीक्षण के दौरान मोहन बगान जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हराने वाले पुराने खिलाड़ियों को भी बुलाया और उनसे स्टेडियम को लेकर उनकी राय मांगी है। मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में फुटबॉल कभी आसमान की ऊंचाइयां छुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल सकी, जिसके कारण ये थोड़ा पीछे रह गया। उन्होंने बताया कि अब वो 115 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सब सुविधाओं से संपन्न स्टेडियम बनाकर दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये एक या दो महीने में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री द्वारा स्टेडियम को लेकर बुलाई गई मीटिंग में अपने विचार रखने आए कुछ बच्चों से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अंबाला से फुटबॉल खेलने में सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन स्टेडियम बनने के बाद उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। बच्चों ने बताया कि स्टेडियम के बनने से ज्यादा बच्चे फुटबॉल से जुड़ेंगे। मेरा नाम रितु है, मैं 11th क्लास में हूँ। अच्छा, पहले जब हम अंबाला से खेलते थे तब हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, मतलब हमारे यहाँ पे इतनी लड़कियाँ नहीं आती थी। अब स्टेडियम बनेगा तो बाकी लड़कियों को भी सपोर्ट मिलेगा, मैचेस होंगे तो बाकी लड़कियाँ भी प्रेरित होंगी कि हाँ हमें भी फुटबॉल खेलना है। आप क्या चाहती हैं कि और किस तरीके से इसको बेटर किया जाए? इस स्टेडियम में मतलब ज़्यादातर मेरे हिसाब से अंबाला के लड़कों को तो सपोर्ट मिलता है, लड़कियों के ज़्यादा मैचेस होने चाहिए कि लड़कियों को भी मोटिवेशन मिले कि वो मतलब और भी खेले आए, सबको मतलब वो हो कि मतलब जैसे अभी टीवी न्यूज़ में चैनल में जा रहा है वैसे लड़कियों का भी चाहे अंबाला की भी लड़कियां आए और टीम बने और आगे खेले। आकाश बाबा, कौन सी गेम खेल रहे हैं आप? मैं फुटबॉल खेलता हूँ सर। ये बताइए कितना फ़ायदा जो है वो स्टेडियम से मिलने वाला है युवाओं को? सर आज तक यहाँ पर सर एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बच्चों को नहीं मिल सका, लेकिन सर अनिल विज की वजह से यहाँ पर हमें इंटरनेशनल एक स्टेडियम मिलेगा, जिससे एक फ़ुटबॉल की बहुत ही अच्छी प्रमोशन होगी। नॉट इवन एक बच्चों में प्रोत्साहन मिलेगा कि यहाँ पर भी अंबाला में भी एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे फुटबॉल से और एक बहुत ही मतलब कि एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है फुटबॉल का अंबाला में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ये स्टेडियम आप बनाने जा रहे हैं, यहाँ आज एक मीटिंग भी रखी, बच्चों से भी बातचीत की, विचार सुने सबके, क्या कहेंगे? अंबाला छावनी में फुटबॉल कभी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ करता था, परंतु समय के साथ साथ यहाँ पर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल सकें, इस कारण से थोड़ा पीछे रह गया। अब हमने 115 करोड़ रुपए की लागत से फीफा अप्रूव्ड अत्याधुनिक सब सुविधाओं से संपन्न यहाँ पर स्टेडियम बनाकर दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक या दो महीने में ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। आज यहाँ पर अंबाला छावनी के नए और पुराने सभी खिलाड़ी आज इकट्ठे हुए हैं, वो खिलाड़ी भी इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने मोहन बगान को इस ग्राउंड में हराया था, वो खिलाड़ी भी आज यहाँ पर आए हैं और हमने सारों से सुझाव मांगे हैं कि अब ये कंपटीशन की तरफ बढ़ रहा है कि आखिरकार इस्तेमाल तो आपने करना है, खिलाड़ी आपने तैयार कराने हैं और खिलाड़ी तैयार होने हैं, कि अगर उनका कोई सुझाव हो तो उसको इसमें शामिल किया जा सके। सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बात कही है और हम कोशिश करेंगे कि जो जो इसमें और सुधार हो सके इसमें हो और अंबाला छावनी का जो खोया हुआ गौरव था फुटबॉल के क्षेत्र में वो दोबारा बुलंदियों को छुए, ये हमारी कामना है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।